मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के एक मोस्ट वांटेड को उसके गिरोह के कई सदस्यों के साथ भारी संख्या में असलहे गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस बाबत जानकारी देते हुए मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के कुमारखंड मुरलीगंज तथा बेलारी ओपी क्षेत्र में सक्रिय मोस्ट वांटेड और टॉप 10 में शामिल अपराध कर्मी राजा कुमार के द्वारा एक गिरोह का संचालन किया जा रहा था। इस गिरोह के द्वारा इन क्षेत्रों में लूटपाट छिनतई यत्र तत्र दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग नए नए हथियार के साथ वीडियो अपलोड करना क्षेत्र में लोगों से रंगदारी की मांग करना जैसे अपराध कारित की जा रही थी। इस गिरोह का इन क्षेत्रों में दहशत व्याप्त हो गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराध कर्मी राजा कुमार उनके गिरोह के 10-12 सदस्यों के साथ हड़वे हथियार के साथ लैस होकर अपने घर के पास एक तालाब के पास एकत्र हुए हैं तथा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर मधेपुरा पुलिस द्वारा बनाए गए टीम के सदस्य जैसे ही उक्त स्थल का घेराबंदी किए वैसे ही अपराध कर्मियों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगी। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तथा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर वहां उपस्थित अपराध कर्मियों में से 5 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गिरोह के सरगना राजा कुमार के अलावे धर्मेंद्र कुमार उर्फ केशव कुमार, आकाश कुमार, किंसु कुमार, रुपेश कुमार तथा 2 महिलाएं भी शामिल है, जबकि अन्य अपराध कर्मी भागने में सफल हो गए। इन अपराध कर्मियों के पास से एक कार्बाइन, कार्बाइन का एक मैगजीन, 4 देसी कट्टा, कई राउंड गोलियां, गांजा, 3 मोटरसाइकिल तथा मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में कुमारखंड थाना अंतर्गत कुल 11 अपराध कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी करने गई टीम को इस गिरोह के सदस्यों के द्वारा 2 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ी। पुलिस के द्वारा काफी धैर्य और बहादुरी के साथ इन अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार, गोली और नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो कि मधेपुरा पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। मधेपुरा पुलिस के द्वारा टॉप वांटेड जो है, हमारे मोस्ट वांटेड टॉप 10 में जो अपराध कर्मी है उसके विरुद्ध में हमारे डीजीपी सर और डीआईजी सर के द्वारा निर्देश के आलोक में चलाया जा रहा था अभियान। इसी अभियान के तहत एक राजा जादव कुमारखंड राठा के रहने वाले हैं, उनके विषय में जानकारी मिले कि वो एक काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और एक गिरोह उन्होंने बना लिया है और इस गिरोह में कई लड़के भी शामिल हैं जो इनके साथ मिलकर के उस क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए हैं और लोगों से रंगदारी मांगना शुरू कर दिए हैं और उस इलाके में दहशत का माहौल कायम कर दिए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपने तरह तरह का वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें पिस्टल, कट्टा आदि लेकर के उसका प्रदर्शन भी किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। इसी बीच में कुछ वीडियो हम लोगों को मिला, मीडिया कर्मियों के द्वारा ही कुछ वीडियो और फोटो हम लोग को भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही डीजीपी सर के निर्देश में हम लोगों ने जिला पुलिस का अपना ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम बनाया था। उस ट्विटर हैंडल पर भी इसका वीडियो को अपलोड कर दिया गया, जो कि हम लोगों ने देखा। और उसके बाद एक टीम हमने बनाया अपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, जो लगातार तब से काम कर रहा था। कल सूचना अचानक मिला कि घर में राजा जादव अपने सहयोगी के साथ में आया हुआ है। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय थानाध्यक्ष कुमारखंड, थानाध्यक्ष मुरलीगंज और हमारे तकनीकी सेल के कर्मी, पुलिसकर्मी और हमारे कमांडो टीम के जो सदस्य हैं सभी लोग गए और उसको घेराबंदी किए, परंतु उसकी भनक उनको लग गई और वे लोग ताबड़तोड़ अंदर से ही फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगे। जहां से भाग रहे थे, जिस इलाके से भाग रहे थे, वो काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र था और रात्रि का समय था, कोहरा भी था, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। इस कारण से तत्काल हमारे पुलिसकर्मियों ने संयम बरतते हुए
जवाबी कार्रवाई नहीं किया ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, लेकिन बाद में उन लोगों के भागने के बाद घर की तलाशी ली गई तो घर से काफ़ी मात्रा में नशीले पदार्थ आदि की बरामदगी हुई। और फिर उस घर में जो भी सदस्य थे, राजा जादव के पिता और उसके माँ वगैरह, उन सभी को हिरासत में लिया गया और लेकर के उनको फिर थाना पर आया गया। पुनः शुभम में हमारी पुलिस वहीं पे टिकी हुई थी, शुभम में फिर से सूचना मिली राजा जादव के संबंध में, तो इन लोगों ने फिर योजना के तहत उसकी घेराबंदी शुरू की और एक राटा के आसपास का ही एक बस भिट्टी है वहीं पे उसके छिपे होने की जानकारी थी। लेकिन वहाँ पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँची, उन लोगों ने फिर से ताबड़तोड़ फायरिंग अपना खोल दिया और कई राउंड लगातार उन्होंने फायरिंग की। पुलिस भी हमारी जवाबी कार्रवाई की और टैक्टफुली फायरिंग करते हुए उनको घेरते भी रहे और अंततः उनको सभी को सरेंडर करने को बाध्य किए। सभी अवैध हथियार के साथ में वहाँ पे सरेंडर किए। कुल वहाँ पे 5 अपराध कर्मी थे जिनकी तलाशी ली गई, तो सभी के पास से हथियार बरामद हुआ। इस हथियार में मुख्य रूप से एक कार्बाइन बरामद हुआ है जो कि राजा जादव अपने से उसको लेकर के फायर कर रहा था और उसके जो सहयोगी थे उन सभी के पास में कट्टा बरामद हुआ। इसके अलावे कई और भी आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई है। घटनास्थल से कई फूखा भी बाद में बरामद हुआ। यह पुलिस द्वारा बड़ा अत्यंत ही साहसिक कार्य किया गया है और इस क्षेत्र में उभर रहे दुर्दांत अपराध कर्मी और उनके गैंग के सदस्यों के साथ में पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और इस गिरफ्तारी से उस एरिया के लोग भी चैन की सांस लेंगे और पुलिस का भी मनोबल इस कार्रवाई के बाद में काफ़ी बढ़ा है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास पता चला है कि पहले आपराधिक इतिहास राजा जादव का है। इसके पूर्व इनके विरुद्ध में 5 कांड दर्ज था और पहले से वांटेड था और हमारे मोस्ट वांटेड टॉप 10 की सूची में इसका नाम था।